वो देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा पर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का न्यूयॉर्क में जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बीमारियों से दूर रहने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। योग तन और मन को शुद्ध करता है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दुनिया इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी ऊर्जा के साथ मना रही है। इस साल यानी 21 जून 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती एक परिवार है। अपने देश से सात समंदर पार अमेरिका में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में योग कर दुनिया को स्वस्थ और निरोग रहने का मंत्र बताया। योगा मीन्स टू यूनाइट, सो योर कमिंग टूगेदर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ योगा। हालांकि यूएन हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 180 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योगाभ्यास किया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज हो गया। तो वहीं विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के हेडक्वार्टर में योग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पहली बार एक साथ 135 देशों से ज्यादा प्रतिनिधियों ने योग किया और पूरे कार्यक्रम में सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी रहीं। जिस तरीके से उन्होंने इस योग सेशन में योग की सभी आसनों को बड़ी आसानी से कर लिया, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस स्थिति को बनाने के लिए उन्होंने एक लंबी साधना की है। योग के दौरान उनके शरीर के लचीलेपन और फिटनेस को देखकर हर कोई न केवल दंग रह गया, बल्कि ये भी माना कि वे उनके शरीर की फिटनेस का राज लंबे समय से योग की साधना ही है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी उनका जलवा है। दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क ने भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी का फैन बताया। अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मिल रहा सम्मान पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन इंडिया से अमेरिका तक प्रधानमंत्री मोदी का यह रुतबा विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। देश में जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में डंका बज रहा है। I'm a fan of Modi, so I have to say that. दुनिया भर में पीएम मोदी के करोड़ों फैंस हैं। अब एलन मस्क का नाम भी इसमें शामिल हो चुका है। पीएम मोदी दुनिया के जिस कोने में भी जाते हैं, वहां मोदी मोदी शुरू हो जाता है। अमेरिका में भी ऐसा ही नजारा है। प्रधानमंत्री अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। इस यात्रा को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में उत्साह है। प्रधानमंत्री यहां अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी के साथ वे डिनर भी करने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में एलन मस्क समेत अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों से मुलाकात की। टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने मस्क की तारीफ की और उन्हें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अंतरिक्ष सेक्टर में निवेश के अवसरों के लिए आमंत्रित भी किया। पीएम मोदी से मुलाकात पर मस्क ने खुशी जताई, खुद को पीएम मोदी का फैन बताया। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but in the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, you know, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. तो सुना आपने? मस्क कैसे पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। लेकिन सिर्फ मस्क ही नहीं, ये यात्रा अपने आप में इस बात का सबूत है कि अमेरिका के लिए भारत और पीएम मोदी कितने अहम हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले भी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, लेकिन ये यात्रा खास है।
पीएम मोदी इस बार प्रेसिडेंट बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी मेजबानी करेंगे। स्टेट विजिट में आमतौर पर कई औपचारिक समारोह होते हैं। इन समारोहों में 21 तोपों की सलामी, व्हाइट हाउस आगमन समारोह, डिनर, राजनयिक उपहारों का आदान प्रदान और अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में रहने का निमंत्रण शामिल है। अमेरिका का स्टेट विजिट दुनिया के किसी भी नेता के लिए बड़ा सम्मान है। तो एक तरफ दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, दुनिया मोदी की फैन बन रही है, लेकिन देश में सियासत हो रही है। इस पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एलन मस्क पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की चिड़िया उड़ गई है। इस बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया। पूर्व मंत्री बाला बच्चन बोले कि नरोत्तम मिश्रा सत्ता के दीवाने हो चुके हैं। कांग्रेस वालों, आज तो आपकी चिड़िया उड़ गई होगी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तारीफ कर दी मोदी जी की। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। गृह मंत्री जी तो सत्ता के इतने दीवाने हो गए हैं, सत्ता का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ा हुआ है। मैं उनको अभी से नहीं, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, तो वो तो अपने सत्ता के नशे में चूर है। इसका जवाब हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाला जो वक्त है, मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी, वो सटीक जवाब होगा। तो सम्मान और सियासत के बीच पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय से दुनिया को योग का संदेश दिया। पीएम ने सहयोग के लिए सभी देशों का आभार जताया और कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, जो हमें मानसिक रूप से मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि योग एक जीवन शैली है जो सौहार्द सिखाता है। योग जीवन जीने की कला है। ऑलमोस्ट एवरी नेशनैलिटी इज रिप्रेजेंटेड हियर टुडे एंड व्हाट एन अमेजिंग कॉज टू ब्रिंग अस ऑल टुगेदर योगा। योगा मीन्स टू यूनाइट। सो योर कमिंग टुगेदर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ योगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस कार्यक्रम के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक निर्णायक और प्रवक्ता माइकल एम्प्रिक ने कहा कि आज एक योग सत्र में अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब का प्रयास हुआ है। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड है। The mark to beat was 114 nationalities. Today in New York at the UN, they had 135. It's a new Guinness World Records title. पीएम मोदी कल वॉशिंगटन पहुंचेंगे, जहां प्रेसिडेंट बाइडेन उनका स्वागत करेंगे। भारत और अमेरिका का रिश्ता कितना मजबूत है, पीएम मोदी की ये यात्रा बता रही है। और ये भी कि वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी का रुतबा काफी ऊंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वही फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह को लेकर के एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है।